हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? शायद अब आप मुझे भूल चुके होंगे, पर कोई नहीं, मैंने अभी ही एक शो द लेजेंड ऑफ शनली देखना शुरू करा है और सोच रही थी कि आपको भी समझा दूं। तो अगर पसंद आई और ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो लेट अस नो। ये एक फैंटेसी शो है तो बी प्रिपेयर्ड गाइस, क्योंकि जो आप सोच नहीं सकते वो यहाँ हो सकता है। और हाँ, यहाँ वही ह्यूमन वर्ल्ड और इमोटिव वर्ल्ड अलग अलग है। इस कहानी की शुरुआत भी हमें इंसानों की दुनिया से ही करवाई जाती है, जहाँ लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा था। बच्चे फटाकों को देख एक्साइटेड थे, तभी ही अचानक बादलों के अंदर से रेड लाइट जैसा कुछ चमकने लगता है, जिससे बच्चे घबरा जाते हैं। अब हमें बादलों के उस पार ले जाया जाता है जहाँ ये लाइट जैसा दिखाई दे रहा था। पता चलता है कि ये कोई लाइट्स नहीं, बल्कि जब इमोर्टल्स लड़ाई करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ एक लड़की भी होती है जिसे सब लॉर्ड बीसांग कहकर बुला रहे थे, जो इमोर्टल रैंक में हाईएस्ट रैंक जनरल है। इस लड़की लॉर्ड बीसांग का असली नाम शनली है। उसे यहाँ कुछ दूसरे जनरल्स आकर रुक जाने को बोल रहे थे। असल में इमोर्टल रैंक के लीडर हर होलीनेस ने शनली की शादी डिवाइन रैंक के किसी आदमी से फिक्स करा दी है, जिसे शनली एक लूजर मानती है और वो अपनी मर्जी के बिना शादी करने को तैयार नहीं है। तो वो भाग जाती है और अब ये सभी जनरल्स जो शनली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हर होलीनेस के ऑर्डर्स पर शनली को वापसी ले जाने आए हैं। यहाँ ये सब जादू और वेपन्स दोनों का ही इस्तेमाल करके शनली को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर शनली को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अकेले ही सब पे भारी हो रही थी। फाइनली शनली एक पोर्टल बनाकर भागने में कामयाब हो चुकी थी, या शायद ऐसा लगता है, क्योंकि उसी वक्त होटल बनाकर मुफंग नाम का एक जनरल भी बाहर आ जाता है और शनली को शोल्डर पे कहीं अपने स्पीयर से स्टैब कर देता है। ये सब इमोर्टल जनरल्स स्पीयर यूज करते हैं इस वेपन। सबका अपना एक स्पीयर है, शनली के पास भी है। शनली अभी जख्मी हो चुकी थी, तभी वहाँ एक और पोर्टल ओपन हो जाता है। ये मोटर वर्ल्ड यानी ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का दरवाजा था। मुफंग ने शनली को उसकी भलाई के लिए स्टैब करा था ताकि वो नीचे मोटर वर्ल्ड में गिर जाए, फिर वहाँ उसे कोई शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर पाएगा और ये इमोर्टल है तो इसको कोई जानी नुकसान भी नहीं होगा। और तो मुफंग खुद भी शनली के स्पेयर को हाथ में पकड़ के खुद को भी सेम जगह पर स्टैब कर देता है। वो शनली को बोलता है कि मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, जिसके बाद शनली ह्यूमन वर्ल्ड वाले पोर्टल से नीचे गिर जाती है। उसे घिरते वक्त रियलाइज हो रहा था कि मुफंग उसके लिए कितना लॉयल है, क्योंकि उसने शनली के भागने के लिए रास्ता बनाया। शनली के घिरने के बाद सारे जनरल्स आकर मुफंग को पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा, क्योंकि शनली को नुकसान पहुंचाना प्लान का हिस्सा नहीं था। शनली गिरते हुए एक फीनिक्स में तब्दील हो जाती है। वो जख्मी थी तो उसकी स्पिरिट पावर्स कम हो गई थी, इसीलिए वो अपनी रियल फॉर्म जो कि फीनिक्स की है और जो मुर्गी जैसा ही दिखाई देता है, उसमें आ जाती है। सुबह हो जाती है इंसानों की दुनिया में ही एक सिटी से। तो यहाँ शनली जो कि फीनिक्स का मुर्गी ज्यादा लग रही थी, उसे चिकन सेलर ने पकड़ लिया था। और उससे पहले कि चिकन सेलर शनली को काट के बेच पाता, एक आदमी आकर शनली को ज्यादा दाम में खरीद लेता है और अपने घर ले आता है। शनली दर्द और तकलीफ में थी, क्योंकि उस चिकन सेलर ने इसके सारे फैदर्स को निकाल लिया था। जो आदमी उसे घर ले आया था, वो शनली को थोड़ा सा टीज करता है। तो शनली जो भी पावर लेस थी, वो फिर भी उसका एटीट्यूड नहीं जा रहा था। वो बोलने लगती है कि मैं लॉर्ड बीसांग हूँ, मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, जैसे कि एक इंसान को मुर्गी की बातें समझ आने वाली थी। वो आदमी शनली को नहलाने के लिए पानी में गिरा देता है। शनली समझती है कि वो आदमी इसे बुली कर रहा है। बाय द वे, इस आदमी का नाम है शिंगवान। तो फिर जब शिंगवान को लगता है कि शनली को स्विमिंग नहीं आती, वो उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। वो शनली के लिए टेस्टी सा खाना भी तैयार करता है। शनली पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी, मगर फिर सब कुछ खा जाती है और सामने से इशारा करके और भी मांगती है। शिंगवान ने तो आज इतना ही बनाया था। शिंगवान अब यहाँ से कुछ बेचने चला जाता है। शनली समझती है कि शिंगवान रोज खुद को बेचकर अपना गुजर बसर करता होगा। जिस दिन शिंगवान घर पर नहीं था, तब उसके घर पर एक लड़की घुस आती है जो और कुछ तो नहीं घर की सफाई कर रही होती है। शनली को स्ट्रेंज लगता है,
फिर वो समझ जाती है कि बस ये लड़की श्रृंगवान को लाइक करती है, इसीलिए उसका घर साफ कर रही है। इस बीच इस लड़की की नजर शनली पर भी चली जाती है। लड़की शनली एक मुर्गी देख सोचती है कि आज क्यों ना इसका बारबेक्यू बनाकर श्रृंगवान को खिलाया जाए। शनली ये देख समझ जाती है कि वो खतरे में है और मरने वाली है, इसलिए भागने लगती है। काफी देर पकड़ाई के बाद शनली इस लड़की के हाथ लग ही जाती है और फिर ये लड़की उसे कहीं ऊपर लटका देती है और बाकी चीजें प्रिपेयर कर लेती है। फिर जब वो शनली की गर्दन काटने ही वाली होती है तो श्रृंगवान घर लौट आता है। शनली की जान में जान आती है। श्रृंगवान भी शनली को उठाता है और अपने रुमाल से उसको साफ करता है। वहीं वो जो लड़की होती है वो श्रृंगवान से मिलती है तो श्रृंगवान उसे अपने घर से चले जाने को बोलता है। उसे तो इस लड़की के बारे में कुछ याद भी नहीं था, वो इस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहा था। वो लड़की हालांकि कहती भी है कि कल वो यहाँ से जा रही है, इसीलिए बस एक बार उसे मिलने आई थी, पर श्रृंगवान से भाव ना मिलने की वजह से वो लड़की चली जाती है। वहीं शनली को भी इस लड़की पे तरस आता है। वो बोलने लगती है कि बेचारी लड़की न जाने श्रृंगवान जैसे आदमी के प्यार में कैसे पड़ गई, जो हार्टलेस तो है ही ऊपर से गलत लाइन में भी चला गया है। श्रृंगवान ये सुन फौरन पूछता है कौन सी गलत लाइन। वही शनली और हमारियन शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये श्रृंगवान एक बर्ड की बातें सुन कैसे सकता है। फिर क्या हमें नहीं पता चलता कि श्रृंगवान बर्ड की बातें कैसे सुन सकता है, पर इतना कंफर्म है कि वो सुन जरूर सकता है। अब श्रृंगवान की छोड़ी पकड़ी गई थी और वो ज्यादा बनने की एक्टिंग भी नहीं करता, शनली के पास एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बातें सुनाई देती है। वो शनली को ये भी बताता है कि मैं अपने आप को नहीं बल्कि हर्ब्स को बेचने जाता हूँ और उसी से पैसे कमाता हूँ। रात को शनली सो रही होती है अपनी बर्ड फॉर्म में, तभी ही वहाँ श्रृंगवान जो बुरे सपनों की वजह से सो नहीं पा रहा था उसके पास आता है। वो चांद के जरिए से एक फॉर्मेशन बनाता है, एक स्टोन को जमीन पे टैप करता है तो शनली अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाती है। वो भी सो रही थी, श्रृंगवान उसे देख कॉमेंट करता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद वो दोबारा से पत्थर को जमीन पे पटकता है और शनली फिर से बर्ड बन जाती है। श्रृंगवान उसे आकर चादर भी उड़ा जाता है। सुबह हो जाती है, शनली खुद को काफी बेहतर फील कर रही थी पर उसे अभी श्रृंगवान के इरादों पर शक हो रहा था, पर वो यहाँ रहकर रिकवर भी कर रही थी। अब वो लड़की जो श्रृंगवान को पसंद करती थी वो यहाँ फिर से दरवाजे पे दस्तक देती है। वो श्रृंगवान को गुड बाय कहने आई थी, उसे अभी थोड़ा होप था, लेकिन श्रृंगवान साफ कह देता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। उसे फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर एक रुमाल भी देकर रुखसत कर देता है। वहीं शनली दरवाजा खुला रह जाने की वजह से फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक शिप पे पहुँचती है पर वहाँ कुछ लोग उसे देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। शनली शिप में बहुत उछल कूद करने लगती है, सबको बहुत परेशान करती है एंड फाइनली बहुत मुश्किल से ही सही पर वो यहाँ से भी अपनी जान बचा कर भागने में कामयाब हो जाती है। वो बहुत थक चुकी थी, सोचती है कि शायद मैं श्रृंगवान के घर में ही ठीक थी। यहाँ बारिश भी होने लगती है और शनली समंदर किनारे जाकर बह जाती है। वो शायद हिम्मत हार चुकी थी, तभी वहाँ श्रृंगवान अम्ब्रेला लेकर आता है। शनली अभी फीनिक्स फॉर्म में ही थी तो श्रृंगवान उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है और फिर उसे अच्छे से क्लीन करता है, नहलाता है और शनली के लिए बहुत ही टेस्टी सा खाना भी बनाता है। सारा खाना वेज था और श्रृंगवान रोज उसे ऐसा ही खाना खिला रहा था। शनली को मीट चाहिए था पर श्रृंगवान उसे बताता है कि वो गरीब है और मीट खरीदने के पैसे उसके पास नहीं है। शनली थोड़ा अपसेट हो जाती है पर वो ये जानती थी कि श्रृंगवान के घर वो जल्दी रिकवर हो रही है और कुछ ही दिनों में वो अपने इंसानी रूप पे भी आ जाएगी, फिर उसे यहाँ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जाने से पहले श्रृंगवान के लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे श्रृंगवान अपनी जिंदगी को आराम से बिता सके, उसे किसी चीज की कमी ना हो। श्रृंगवान भी एक बीमार आदमी था और गरीब भी था। शनली के पास पत्थर को सोने में बदल देने की पावर्स थी। वो बहुत कोशिश करके एक पत्थर को सोने में बदलने की कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती है और पत्थर भी पानी में गिर जाता है। श्रृंगवान शनली के एफर्ट्स को देखता है, उसके पास 10 सिक्के पड़े होते हैं। वो डिसाइड करता है कि इन पैसों से वो शनली के लिए मीट खरीदेगा। इसीलिए सुबह वो शनली को जो स्टिल बेड पर है हाथ में उठाकर मीट खरीदने के लिए वहाँ किट निकल जाता है। वहाँ सब कुछ बहुत महंगा था, तभी उसकी नजर एक फॉर्चून टेलर पे जाती है। एक आदमी उस फॉर्चून टेलर से ये जानने आया था कि आखिर वो सिविल सर्विस के एग्जाम्स में पास कब होगा, क्योंकि वो कई सालों से ट्राई कर रहा था, जिस पर ये फॉर्चून टेलर उसे शादी करने की सलाह देता है। कहता है कि शादी करते ही उसकी किस्मत चमक जाएगी और वो एग्जाम भी क्लियर कर पाएगा।
अब फॉर्चून टेलर उस आदमी से कहता है कि अगर वो ये भी जानना चाहता है कि शादी के लिए वो लड़की कब और कहाँ मिलेगी तो इसे 10 सिक्के और देने होंगे। ये आदमी खुशी खुशी अपने पॉकेट से फॉर्चून टेलर को देने के लिए पैसे निकाल रहा था कि तभी श्रृंगीवाल इस आदमी से कहता है कि तुम्हें इन सब में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई हो और तुम वक्त पर ना पहुंच पाओ, तुम्हारी माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। पर इस आदमी को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि फॉर्चून टेलर और श्रृंगीवान मिलकर इसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन श्रृंगीवान इसे यकीन दिलाता है कि वो सुकून से अपने घर जाकर देख सकता है, वो यहीं पर इंतजार करेगा, अगर बात गलत निकली तो ये आदमी लौट कर श्रृंगीवान को जो चाहे बोल सकता है। ये आदमी चला जाता है। वही फॉर्चून टेलर जो श्रृंगीवान को अपना कॉम्पिटिटर समझने लगा था, वो श्रृंगीवान से शर्त लगा लेता है कि अगर श्रृंगीवान की बोली बात सच निकली तो ये श्रृंगीवान को 10 सिक्के देगा, पर अगर गलत निकली तो श्रृंगीवान को इसे अपनी मुर्गी देना होगी। ये सुन चलनी डर जाती है, पर श्रृंगीवान उसके गर्दन पे हाथ रखता है और कहता है कि वो इसे कुछ भी नहीं होने देगा। शर्ली एक जनरल है और उसकी जिम्मेदारी है अपने रेल्म में वो सबको प्रोटेक्ट करती है, सबकी लीडर है। तो शर्ली को आज पहली बार किसी ने इतना प्रोटेक्टेड फील करवाया है, किसी और ने इसे प्रोटेक्ट करा है तो इसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ टाइम के बाद वो आर्मी जो फ्यूचर जानने आया था वो वापसी आता है और अपने घुटनों पर बैठ कर श्रृंगीवान का शुक्रिया करता है, कहता है कि भला हुआ आपका जो आपने मुझे बता दिया कि मेरी माँ खतरे में है, घर में सच में आग लग गई थी पर मैं वक्त पर पहुंच गया, इसीलिए अपनी माँ को बचाने में कामयाब हो पाया हूँ। यामी मदद के बदले उसे मीट के 2 टुकड़े गिफ्ट करता है जो श्रृंगीवान एक्सेप्ट कर लेता है, और शर्ली भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब आज फाइनली नॉन वेज बनने वाला था। श्रृंगीवान फॉर्चून टेलर से भी 10 सिक्के वसूल कर लेता है क्योंकि अब वो शर्त जीत चुका था। यहाँ आसपास के एरिया में सब श्रृंगीवान को सच में फॉर्चून देखने वाला समझने लगते हैं। घर पर डिनर के बाद शर्ली और श्रृंगीवान के बीच बातचीत से हमें पता चलता है कि श्रृंगीवान बचपन से ही फ्यूचर को देख सकता है। शर्ली उसे आगाह करती है और बताती है कि जो भी फ्यूचर देखता है वो दुनिया का बैलेंस तोड़ता है और इसलिए हेवन उसे सजा देता है। श्रृंगीवान बताता है कि ये बात वो जानता है, इसे अक्सर उसकी हेल्थ पर भी असर पड़ता रहता है और यही वजह है कि वो दवाइयाँ पीते रहता है। शर्ली उसे सजेस्ट करती है कि तुम इस फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के टैलेंट से खुद को अमीर क्यों नहीं बना लेते, बस एक या दो बार ही प्रिडिक्ट करना होगा और तुम सारी जिंदगी आराम की जिंदगी गुजार सकते हो। जिस पर श्रृंगीवान कहता है कि उसे बस यही जिंदगी अच्छी लगती है। शर्ली सोचती है कि एक मामूली सा इंसान हेवन के रूल्स और बैलेंस के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है, जरूर श्रृंगीवान में कुछ खास है। श्रृंगीवान के दरवाजे पे फिर से कोई दस्तक देता है। ये एक औरत है जो श्रृंगीवान को अपना फ्यूचर देखने के लिए पूछती है। इस औरत का पति एक बार जंग पर गया था पर अब तक वापसी नहीं लौटा है, इस बात को 15 साल हो गए हैं। ये औरत हर दिन उसका इंतजार करती है। गांव के बाकी सब लोग जो इसके हस्बैंड के साथ जंग पर गए थे वो लौट आए हैं, या तो उनकी डेथ की न्यूज आ गई है, पर इस औरत के पति का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वो औरत बस एक होप में थी कि शायद श्रृंगीवान इसके फ्यूचर को देख पाए और बता पाए कि इसका पति घर कब लौटेगा, पर श्रृंगीवान फॉर्चून देखने से मना कर देता है, इसलिए इस औरत को मायूसी के साथ ही घर वापस लौटना पड़ता है। वही शर्ली को ऐसा लगता है कि श्रृंगीवान ने उस औरत का फ्यूचर देख लिया है मगर शायद कोई गड़बड़ है तभी ही वो बता नहीं रहा। जब वो ये सवाल श्रृंगीवान से करती है कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया, जिस पर वो कहता है कि उसने सच में कुछ नहीं देखा, शर्ली को लगता है कि श्रृंगीवान बिल्कुल ही लापरवाह है, कभी तो बस कुछ मीट पाने के लिए एक बूढ़ी औरत को मरने से बचा लेता है और एक बेचारी औरत जो अपने साथी को ढूंढ रही है उसकी मदद तक नहीं करना चाहता। शर्ली खुद ही सच का पता लगाने चली जाती है। शाम हो चुकी थी, दोपहर में जब वो औरत घर आई थी शर्ली ने उसके पास एक अजीब सी औरा को फील करा था। वो उसी औरा का पीछा करती है उस औरत के घर तक पहुँचने के लिए। ये औरत अपने भाई के साथ रहती थी जो इस वक्त नाइट ड्यूटी पे गया हुआ था, इस वक्त वो घर पर बिल्कुल अकेली थी। ये औरत अपने कमरे में ही एक गाना गुनगुनाते हुए अपने हस्बैंड के लिए कपड़े सिल रही थी। तभी शर्ली, क्योंकि अभी फीनिक्स बनी हुई है, छोटी सी है, किसी को दिखाई भी नहीं देती, तो वो रूम में ही छुपकर देख रही थी। तभी वहाँ इस औरत के ठीक पीछे शर्ली को एक आदमी दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं, उस औरत का लाइफ पार्टनर उसका हस्बैंड था। ऐसा लगता है जैसे वो इस औरत के पति की रूह हो। यही वजह होगी कि उसकी वाइफ उसे अब तक देख नहीं पा रही, जबकि उसका हस्बैंड उसके साथ ही है, उसने कभी उसका साथ छोड़ा ही नहीं।
यहाँ शर्ली को गलती से चीख आ जाती है जो ये हस्बैंड सुन लेता है। वो शर्ली को देख जाता है और उसका पीछा करता है। शर्ली फिर से भागने लगती है पर इस आदमी के पास कुछ शक्तियाँ आ जाती है जिससे वो शर्ली के दोनों फादर्स को मैजिक से लटका देता है। तभी ही इन सब शोर की वजह से वहाँ इस आदमी की वाइफ भी आ जाती है। शर्ली इस बीच अपने आप को छुड़वाने में भी कामयाब हो जाती है और उसे बचाने शिंगीवान भी आ जाता है। वो कुछ फेंक कर वाइफ के सर पे वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर उसके हस्बैंड की आत्मा को गुस्सा आ जाता है। वो शिंगीवान को मारने आगे बढ़ता है। तभी ही शिंगीवान शर्ली से घर वापसी चलने को बोलता है। बट अब शर्ली शिंगीवान को इस कपल के बारे में बताती है कि इस औरत का हस्बैंड हमेशा ही उसके साथ था पर वो मर चुका है। उसके हस्बैंड की रूह भटक रही है। ऐसा कहा जा भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि उस आदमी को लॉयलिटी की वजह से हेवन ने डिवाइनर बना दिया है। डिवाइन भी इमोर्टल्स ही होते हैं और डिवाइन रैंक के एक लड़के से तो शर्ली का रिश्ता भी तय है। पर अब भी इस वाले डिवाइन को खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपनी वाइफ को छोड़ कहीं नहीं जाना चाहता था। डिवाइन के पास ऐसी पावर्स होती हैं जिन्हें यूज करके वो अपने आप को इंसानों को दिखा सकते हैं, लेकिन ये आदमी अब तक ऊपर गया ही नहीं है तो सीखेगा कैसे। इसे अभी सिर्फ शर्ली ही देख सकती थी। ये आदमी शिंगीवान पे अटैक करने आगे बढ़ रहा था क्योंकि शिंगीवान ने उसकी वाइफ पर वार जो किया था जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ी है। लेकिन तब भी शर्ली उड़ती है और शिंगीवान को पुश करके नीचे गिरा देती है जिससे इस आदमी का वार डॉज हो जाता है। शर्ली शिंगीवान को बोलती है कि मैं अगर अभी अपनी फुल फॉर्म यानी ह्यूमन फॉर्म में होती तो इसे रोक पाती। तभी ही शिंगीवान उसे बताता है कि वो फॉर्मेशन बनाना जानता है जिससे कुछ टाइम के लिए ही सही पर शर्ली अपनी इंसानी फॉर्म में आ सकती है, मगर इस काम को अंजाम देने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। तो तब तक शर्ली इस आदमी को बिजी रखती है। इतने में शिंगीवान जमीन पर कुछ स्टोन से एक सर्कल बनाता है और शर्ली को इस सर्कल के अंदर आने को बोलता है। शर्ली जब सर्कल के अंदर आ जाती है तब चांद की रोशनी उस फॉर्मेशन पे पड़ती है और शर्ली ह्यूमन में कन्वर्ट हो रही होती है। अब उसके पास कपड़े तो नहीं थे, वो शिंगीवान से उसके कपड़े मांगती है और शिंगीवान भी अपना गाउन उतार शर्ली को दे देता है। शर्ली अब फाइनली अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। उससे शिंगीवान का ईगो बहुत बड़ा हो रहा था। बस ह्यूमन फॉर्म में ही आने की देरी थी, शर्ली बहुत ही आसानी से इस आदमी को ओवरपावर कर देती है। इसे कहती है कि वो सब जानती है और बस मदद करना चाहती है। वो इस आदमी से पूछती है क्या तुम चाहते हो तुम्हारी साथी तुम्हें देख पाए। ये आदमी कहता है कि हाँ जरूर, क्या ये पॉसिबल है। शर्ली इस मामले में शिंगीवान की मदद लेती है और शिंगीवान इस आदमी के लिए भी एक फॉर्मेशन बनाता है जिससे ये आदमी कुछ पल के लिए विजिबल हो जाएगा और अपनी वाइफ से मिल पाएगा। औरत अभी बेहोश थी, शर्ली उसके पास जाकर उसे उठाती है और उसके साथी से मिलवाती है जो अब विजिबल था। उसे ये औरत और शिंगीवान दोनों ही देख सकते थे। ये औरत देखते ही अपने साथी से गले लग जाती है, उसे बताती है कि वो हर रोज इस दिन का इंतजार करती थी और जब आज वो दिन आया है तो इसने कुछ तैयार भी नहीं करा। ये फॉर्मेशन इतना पावरफुल था कि ये दोनों जवान नजर आ रहे थे। शर्ली चाह रही थी कि इस कपल को साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और वक्त मिले, पर शिंगीवान उसे बता रहा है कि ये फॉर्मेशन ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है तो इन लोगों को इस कपल को आगाह करना पड़ेगा ताकि उन्हें जो बात करनी है वो जल्दी कर पाए। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। That's it guys. Next बार चाहिए तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं ताकि हमें पता चल पाएगा कि आपको हमारा काम अच्छा लगता है या नहीं और हम फ्यूचर में और भी वीडियोस ला सकेंगे। गुड बाय।